भले ही एमके सेल को राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया हो, लेकिन ये देखा जा रहा है कि उन्होंने जो गड़बड़ी की है उसका खामियाजा छात्र को भुगतना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में घोषित बीए प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम में कई छात्र पेपर देने के बावजूद उन्हें अनुपस्थित दिखाया गया है। इससे छात्रों का साल बर्बाद होने की संभावना है। एमके सेल द्वारा शीतकालीन 2021 सत्र के लिए फरवरी में परीक्षा आयोजित की गई थी, फिर विश्वविद्यालय ने 6 महीने की देरी के बाद शनिवार रात को बीए प्रथम सेमेस्टर के परिणाम घोषित किए। इस परिणाम में छात्रों को अनुपस्थित दिखाया गया है। इस बारे में पूछे जाने पर भले ही उन्होंने सभी पेपर दे दिए हो, लेकिन उनमें से कुछ को फेल और कुछ को 2 विषयों में अनुपस्थित घोषित कर दिया है। सोमवार को मंगलवार को छात्रों ने परीक्षा हॉल के कई चक्कर लगाए, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। इसी बीच कंपनी को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है, तो क्या इन छात्रों को न्याय मिलेगा? ऐसा सवाल अब खड़ा हो गया है।